गोरखपुर फुटबॉल संघ के तत्वावधान में ASSC ग्रास रूट फुटबॉल प्रतियोगिता और सम्मान समारोह का आयोजन सेंट एंड्रयूज कॉलेज में के प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर फुटबॉल खिलाड़ियों द्वारा मैत्री मैच खेले गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैप्टन राधेश्याम सिंह ने प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हमजा खान, उपाध्यक्ष उपेंद्र त्रिपाठी, डेविड सिरिल, NP गौड़, फखरुद्दीन कुर्बान अली सहित खिलाड़ी और फुटबॉल प्रेमी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए कैप्टन RS सिंह ने कहा, उनका सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा केंद्रीय विद्यालय और SS के मध्य। सचिव रीना सिंह जिनका विशेष योगदान रहा है, हम आपके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। रीना सिंह जी गत माह बाराबंकी में आयोजित Under-16 स्टेट बालिका चैंपियनशिप विद्यमान है, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। आकांक्षा, रुक्षा, नेहा, रिया, अंजलि, रीना, सुनीता, ये 10 बच्चियां देवरिया, ये बच्चियां ठीक, हाँ सोनाली, संजय, सुमन, सनवी, सौम्या, प्रियंका, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ जिसे फीफा कहते हैं, फीफा और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन और भारतीय फुटबॉल महासंघ, इनके संयुक्त प्रयास से ये ग्रास रूट लेवल का मतलब एक बुनियादी स्तर से फुटबॉल के प्रोत्साहन के लिए एक आज का दिन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ जो है वो इस प्रदेश में 5 मुख्य स्थान चयनित किया है जहां पर आज ये कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जैसे गोरखपुर है, वाराणसी है, बरेली है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, ये सब जगहों पर उत्तर प्रदेश फुटबॉल महासंघ ने आज ये आयोजन किया है। और इसके मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों में जागरण आए, लोगों में जागरण आए और ग्रास रूट लेवल छोटे लेवल से 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के समय से ये आगे बढ़ें और इनमें फुटबॉल के प्रति लगन लगे और ये खेलें।